चाहिए। इसी जगह हम सिकलीगढ़ दरार पहुंच गए हैं। यहां आप देख सकते हैं पूरी तरह सज के तैयार है। यहां आज होलिका दहन होना है, राजकीय महोत्सव के तहत यहां पर होलिका दहन आज होने वाला है। शाम 6 बजे का वो नज़ारा भी आपको दिखाएंगे जहां होलिका दहन किया जाएगा। बिहार का पूर्णिया जिला और पूर्णिया जिला का धर्म नगरी बनमनखी, जी हाँ धर्म नगरी, जहाँ धीमेश्वर बाबा है, जहाँ भोलेनाथ का निवास है, जहाँ भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति की और हिरण्यकश्यप ने जिसे मारने के लिए खंभे से बांधकर उसने आवाज़ दी, जहाँ नरसिंह भगवान प्रकट हुए, वह धर्म नगरी बनमनखी। आपको बता दें होलिका दहन का कार्यक्रम बनमनखी से आरंभ होता है। बनमनखी वह जगह जहाँ से भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु को आवाज़ दी, वह स्थान जहाँ नरसिंह अवतार हुए, वह प्रहलाद का खंभ जिसे बांधकर नरसिंह अवतार अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया गया। आपको बता दें राज्य स्तरीय यहाँ होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की शुरुआत यहीं से हुई थी और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिकलीगढ़ धरहरा में यह ऐतिहासिक दहन कार्यक्रम किया गया, बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच। इस साल भी होलिका महोत्सव का आयोजन बात तो 2 साल तो कोरोना के चलते नहीं हुआ था। इस बार हमने सरकारी स्तर पर, इसलिए कि बिहार में यह होलिका जो का दहन होता है, यह बिहार में एक ही जगह कार्यक्रम बनमनखी होता है और इतने दिन से यहाँ बनमनखी होते आया है, इसीलिए हम लोग की परंपरा के मुताबिक इस बार भी होलिका दहन के अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है। और सरकार के स्तर पर सरकार ने भी हम लोगों की इस होलिका महोत्सव में काफ़ी संख्या में मैंने 20 लाख की राशि स्वीकृति की है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, मंदिर का कार्यक्रम हो, मंदिर का पूजा पाठ हो और मंदिर में जितने भी आयोजन, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 7 बजे संध्या से लोक गायिका देवी का कार्यक्रम है, इस तरह यहाँ के लोगों के लिए कम से कम 2 साल जो कोरोना काल में यहाँ के लोगों ने कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई भीड़ भाड़ नहीं होता था, बहुत दिनों के बाद फिर से बनमनखी में एक चहल पहल, लोगों की खुशी, आप देखे होंगे कि इस महोत्सव के माध्यम से जो होलिका दहन होती है, यहाँ के चारों बगल के कम से कम 50,000 की भीड़ रहती है और सारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ 16-17 CCTV कैमरा लगे हुए हैं, सभी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे प्रशासन लगे हुए हैं। यह महोत्सव बनमनखी के लिए ऐतिहासिक है और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि इस महोत्सव को मैंने जब पर्यटन मंत्री था उसमें यहाँ 2 करोड़ रुपया से अधिक यहाँ देने का काम किया कि इस मंदिर परिसर का विकास हो। अभी पाथवे बन रहा है, विवाह भवन बन रहा है, सैकड़ों यहाँ शादी होती है, इस जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, आने वाले समय में और यहाँ विकसित होगा। तो मैं आप सबके माध्यम से, पत्रकार बंधु के माध्यम से, मैं यहाँ जितने लोग आए सबको मैं बधाई देता हूँ, देशवासियों को, राज्य के तमाम लोगों को होली के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ कि यह संदेश बनमनखी से जाए। और यह बात जान लीजिए, बनमनखी के लिए सबसे बेसी गौरवपूर्ण है कि बिहार में होलिका दहन का कार्यक्रम कहीं नहीं होता है और यहाँ एक सभी समाज का लोग, सभी तबके के लोग यहाँ आते हैं, होलिका दहन कार्यक्रम में यहाँ मौजूद रहते हैं और इस कार्यक्रम में यहाँ से हम लोग संदेश देते हैं पूरा राज्य को, पूरा देश को कि हम लोग इतने होलिका का पर्व जो होता है, हम लोग कितने उत्साह से यहाँ बनमनखी के समाज एकजुट होकर के हम लोग मनाते हैं। यह सबसे बेसी खुशी है बनमनखी का, लोग सभी लोगों को संदेश देते हैं कि भाईचारा के जो होली का पर्व है, हम लोग भाईचारा सभी एक दूसरे के जो मन में भाव कष्ट है सबको भुला करके, होली में ही भुलाया जाता है तो सबको भाव रहता है, इसलिए सबको संदेश देता है बनमनखी, इसलिए सबको लोगों को बनमनखी की ओर से तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। बता दें कला संस्कृति एवं युवा विभाग के बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में होली महोत्सव 2022 को अंतिम स्तर पर आखिरकार अंजाम दिया गया। बता दें कि न्यायाधीश किशोर प्रसाद सहित अन्य अधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। सत्र न्यायाधीश किशोर प्रसाद, सिविल सर्जन SK वर्मा बुके देकर सम्मानित हुए। प्रशासन पूर्णिया द्वारा निर्धारित अनुसार महोत्सव का आगाज हुआ और यह सब हुआ बनमनखी धर्म नगरी में।
भक्त प्रहलाद ट्रस्ट के अध्यक्ष विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के द्वारा पूजा कार्यक्रम हुआ, अतिथियों का स्वागत हुआ और रंगारंग कार्यक्रम में भोजपुरी की गायिका देवी भी आ पहुंची। आपको बता दें कि हम आपको देवी से भी मिलवाएंगे, रंगारंग कार्यक्रम भी दिखाएंगे, अतिथियों को भी दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे वह स्थान, वह शहर, वह जगह जहां से होलिका दहन की शुरुआत हुई। तो हमारी इस खास कवरेज को देखिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता के अंदाज में। विगत दो वर्षों के बाद फिर से होलिका दहन हो रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? विगत दो वर्षों के बाद फिर बनमुखी में एक बार होलिका दहन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? होलिका महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कोरोना वर्ष में हम लोग नहीं मना पा रहे थे और पिछले साल मना रहे, हमारे पीछे पूरी संख्या में हमारे से हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु से मेला देखने आए हैं। हम लोग की बहुत ही गर्व की बात है जो यहाँ पे होलिका महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप लोगों ने गर्व जोशी से मेरा स्वागत किया मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, एक जोरदार ताली उनके सम्मान में होना चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि आप जिस तरह से हौसला बढ़ा रहे हैं, मैं पहली बार बनमनखी की धरती पे आई हूँ और इस धरती का इतिहास के बारे में पता चला बहुत सारे। जब मैं यहाँ पे रुकी हुई थी तो पूर्णिया के जाने वाले सर्जन जी आए हुए थे और भी तमाम गणमान्य लोग आए थे और उन्होंने यहाँ की जो धरती है और उसके इतिहास के बारे में बताया कि यहाँ पे सबसे पहले होलिका दहन बनमनखी में होता है, उसके बाद ही पूरे भारत में होलिका दहन किया जाता है। तो ये भी मेरा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक धरती पे मैं आई हूँ। एंट्री हुई है, मेरा प्रोग्राम भी नहीं हुआ है, दर्शकों ने काफ़ी वार्म वेलकम किया बनमनखी के लोगों ने, बनमनखी के लोगों ने, और मैं मुझे ये सौभाग्य मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि यहाँ की जनता का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। और थैंक्स टू मीडिया कि आप लोग भी बहुत भारी संख्या में आके इंटरव्यू ले रहे हैं। और जैसा कि मुझे पता चला है कि बनमनखी वैसा जगह है जहाँ सबसे पहले होलिका दहन होता है, उसके बाद ही पूरे भारत में होलिका दहन किया जाता है, तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। और यहाँ ये जो प्लेस जहाँ पे मैं हूँ इसके बारे में काफ़ी पुराना इतिहास भी रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस जगह पे। मैडम होली का त्यौहार है, ऐसे में हमारे देश को थोड़ा एक गाना सॉन्ग मैं दो लाइन सुनाती हूँ। मोरी अखियां में तारे को लाल रसिया न मने रे, मोरी अखियां में तारे को लाल रसिया न मने रे, ना मने रसिया ना मन बसिया, ना मने रसिया ना मन बसिया, मोरी अखियां में डारे को लाल रसिया न मने रे। देवी जी बताना चाहेंगे कि इस बार 2022 में आपका एक डीजे वाला होली जो आया है बहुत ही प्रचलित हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा इसे भी थोड़ा गुनगुना। जरूर जरूर, इस गीत का नाम है धमाल, आप लोग इसको YouTube पे भी देख सकते हैं। तो आइए दो लाइन सुना देते हैं। डीजे बजावना चाहो ए बाबा, डीजे बजावना चाहो ए बाबा, आई लव एक लास्ट जो एक आपका बावरिया एल्बम आया था और उस एल्बम में परवल बेचे जय भागलपुर, उसे थोड़ा सा
बल बेचे जाइब पर बल बेचे जाइब भागलपुर के राजा मत रह दूर ए राजा मत रह दूर पर वाला बेच बेच पायल गढ़ाइबे पर वाला बेच बेच पायल गढ़ाइबे पायल पहिन में जरूर हाँ हाँ पायल पहिन में जरूर राजा मत रह दूर पर वाला बेच पागलपुर राजा मत रह दूर ए राजा मत रह आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।